सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। एक सेकेंड, कुछ कमी लग रहा है ना, रुको लाइट ऑन करता हूँ। हाँ, अब सही है। तो कैसे हो यार, कैसे हो गाइस? मैं आई नो मैं बहुत दिनों बाद व्लॉग कर रहा हूँ, एंड इन दिनों में बहुत कुछ मेरे साथ हो गया है, लाइक अच्छे भी बुरे चीज़ भी हुए हैं। उन सारी चीज़ों के बारे में इस व्लॉग में बात करेंगे। उससे पहले आप लोग कैसे हो कमेंट्स में ज़रूर बताना यार। एंड जो लोग मेरे स्ट्रीम्स को रेगुलर फॉलो करते हैं उन्हें तो पता ही होगा मैं कहाँ पे हूँ, क्या कर रहा हूँ। बट जो फॉलो नहीं कर पाते हैं उनके लिए मैं व्लॉग में सारे कुछ बता दूंगा क्या हुआ मेरे पिछले 4-6 महीनों में। एंड बट उसके पहले थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं यार, भूख लग रहा है भाई को। तो चलते हैं किचन में, अपने लिए कुछ बनाते हैं, फिर बातें भी तो करनी है आप लोगों से। हाँ तो भाइयों, अब पेट भर गया है, अभी कहाँ से शुरू करें बताओ। तो शुरू करते हैं इसी से यार। हमारा जो आन बान शान था, जो भी मेरे स्ट्रीम देखते थे उनको पता था, तो मतलब बहुत ही सैड एंडिंग था। ये ROG फोन 3 है जो मैं लिया था 2020 को, एंड लॉकडाउन के टाइम में, ऑब्वियसली अगस्त या सितंबर अराउंड में। तो मतलब मैं देखो बहुत ही टेक एंथुजियास्ट हूँ, तो मेरे को कुछ भी ऐसा ख़राब होता है तो मेरे को बहुत दिल से इमोशनल हो जाता हूँ मैं, एंड ये मेरी ही गलती की वजह से ख़राब हुआ तो मेरे को और ख़राब लग रहा है। तो सीन ऐसा था कि दिसंबर नवंबर एंड अराउंड मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स थे कॉलेज के, फाइनल सेमेस्टर था, उसके बाद लाइक उसके बाद ख़त्म हो जाता कॉलेज। तो ऐसा था कि मैं अपने प्रैक्टिकल्स के बाद वापस आया था, एंड मैं उस रात के पहले मैंने सोया ही नहीं था। वो प्रैक्टिकल्स बहुत लाइक हेक्टिक था जो भी था। अब मैं प्रैक्टिकल्स देकर आया घर पे, लाइक रूम पे सोने गया, तो ये मैं चार्ज बिठा के सोने गया था। एंड मेरा आईफोन जो था वो मेरे बगल में था, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट कॉल्स आते थे तो मैं उसमें रिसीव कर लेता था।
अब शाम को हुआ, एक कॉल आया मेरे दोस्त का। तो मैं चार से बैठा हुआ था, टेबल पे था, एंड मैं पता नहीं कैसे मूड में उठा। मैं बिना वो चार्जर पॉइंट हटाए तो मैं फोन को लेने उठा के कॉल उठाने गया। तो अब भाई वो तार खिंच गया, अब फोन हाथ से मेरे छूट गया। तो यहाँ से ये लेवल से नीचे गिरा, एंड डन, सीन खत्म। मतलब बेसिकली फोन में कुछ हुआ नहीं है, इसका डिस्प्ले पूरा गया है। एंड मतलब फोन का वो अलार्म का नोटिफिकेशन आ रहा था, जैसे अभी मेरा आईफोन में आ रहा है देख लो, तो वैसे ही इसमें नोटिफिकेशन आ रहे हैं, अलार्म आ रहे हैं, बट डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, पूरा ऐसे ब्लैक स्क्रीन है। अब भाई क्या करें, भाई एग्जाम है, इसमें सारे नोट्स थे मेरे, तो मतलब मैंने फाइनल एग्जाम्स कैसे दिए मुझे पता है। एंड डोंट वरी, अच्छे जीपीए आ गए हैं, कोई सीन नहीं हुआ है। अब मैं इसको लेके पूरा आरओजी के ऑफिशियल स्टोर्स पे गया, सब कुछ बातें हुई। तो बातें करने के बाद पता चला कि इस बाबू के एक स्क्रीन रिप्लेसमेंट में 16,000 का खर्चा है। 16,000 प्लस इम्पोर्ट ड्यूटीज प्लस जीएसटी। मतलब ये ऑब्वियसली मैं इम्पोर्ट ड्यूटीज पता नहीं क्या, वो जो भी ट्रांसपोर्ट का है ऐसा कुछ भी करेंगे जो भी बोले, तो मान के चलो 20,000 का खर्चा था ठीक है इसमें। अब मतलब उस टाइम पे मैं सोचा कि 20,000 का खर्चा करूं तो इसी को ठीक करूं, क्योंकि मतलब ये ऑलरेडी 3 साल हो चुका था। तो मैं सोचा कि नया फोन ले लेते हैं यार। अब नया फोन में मैं कौन सा लिया हूं, क्या लिया हूं, वो आपको बताऊं या नहीं? चलो बता ही देता हूँ, रुको एक सेकेंड रुको। हाँ, तो कौन सा फोन लिया हो? एक सेकेंड। तो तुम्हारे भाई ने नया सैमसंग का S24 जो January 17 को लॉन्च हुआ था इसी साल, तो वो लिया। ऑब्वियसली बेस वेरिएंट है, तुम्हारे भाई का हाथ छोटे हैं तो छोटा फोन सूट करता था। मतलब ऑब्वियसली मैं अल्ट्रा ले सकता था, बट कोई फायदा नहीं था, क्योंकि आरओजी आप देख रहे हो मेरा हाथ कैसे पहुंच ही नहीं पाता है, मेरा स्क्रीन में पहुंच ही नहीं पाता है। बट फोन, ये ऐसे टाइप के फोन्स मेरे लिए बहुत इजी होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं। तो ये फोन लिया। बाकी आते हैं कॉलेज की तरफ। तो कॉलेज मेरा, जैसे कि मैंने बताया, कॉलेज 7th सेम मेरा ख़त्म हो गया। एंड जो भी बीटेक करते हैं उनको पता होगा कि फाइनल ईयर का एक सेमेस्टर आपको या तो इंटर्नशिप या तो प्रोजेक्ट करना रहता है। तो आई गॉट एन ऑफर फ्रॉम एन ऑटोमोबाइल ईवी कंपनी, सो आई ज्वाइंड दैट कंपनी एज एन इंटर्न। तो उसी के लिए मैं नागपुर शिफ्ट हुआ हूँ। लाइक या आप लोग जो भी मेरे स्ट्रीम्स फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा कि मैं जयपुर में था, जयपुर से स्ट्रीम्स करता था। बट आफ्टर दैट आई लाइक शिफ्टेड माई होल सेटअप एंड एवरीथिंग टू नागपुर, एंड मैं अभी नागपुर में सेटल हूँ फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स टिल जुलाई। उसके बाद बाकी का प्लान बाद में बताएंगे, अभी कुछ नहीं। लाइक आप फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, आपको धीरे धीरे सब पता चलता रहेगा। एंड तो मैं मतलब आप लोग देख ही सकते हो, रिसेंटली शिफ्ट हुआ हूँ। इवन मैं किचन में आप जब देखे कि सब कुछ अनऑर्गेनाइज्ड है, तो सब कुछ धीरे धीरे करके ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा एंड फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, जैसे मैंने मुंबई में अपने वो फ्लैट में किया था। एंड लकीली आई गॉट अ वेरी नाइस प्लेस, लाइक कुडोज टू द ब्रोकर, बहुत ही अच्छा घर जो मेरे मतलब ऑफिस के क्लोज भी है, मेट्रो स्टेशन के क्लोज में। एंड जब मतलब कुछ भी अगर नेसेसिटीज है, पास में मार्केट भी है, तो इट्स अ गुड हाउस। लाइक इवन द लैंडलॉर्ड्स आर ऑल्सो गुड, सो लकी इनफ टू गेट दिस हाउस। एंड या इतना ही था, मतलब यही था अभी का फिलहाल का लाइफ अपडेट। तो इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करेंगे। ये थोड़ा सा मतलब बस अपडेट्स के लिए मैं ये वीडियो एक बनाया था। एंड आप लोग मुझे कमेंट्स पे थोड़ा सा ज़रूर बताना कि मतलब मुझे कैसे टाइप के व्लॉग्स करना चाहिए। लाइक जैसे अभी S24 लिया तो इसके रिलेटेड कुछ रिव्यू व्लॉग, या मेरे को डे इन माई लाइफ व्लॉग, डे इन माई लाइफ एज अ ऑफिस वर्कर का एंड गेमर, वैसे टाइप के व्लॉग, या नॉर्मल जैसे हम व्लॉग्स करते हैं वैसे टाइप के व्लॉग, थोड़े फन वाले, कहीं घूमने गया वैसे टाइप के नॉर्मल, मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताओ यार, मेरे को करना है। एंड और एक व्लॉग प्लान्ड है, वो मतलब मैं देखता हूँ जितना जल्दी हो सके मैं वो भी डाल दूंगा। एंड आप सब्सक्राइब कर लो चैनल को, हर दिन हम स्ट्रीम करते हैं।
एंड हाइलाइट्स वीडियो भी आजकल आने लग गए हैं, तो आप सब्सक्राइब करो। अगर आप गेमर नहीं भी हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए भी अमेजिंग कंटेंट्स इन फ्यूचर आने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू गाइज, लव यू, एंड रू कार्मी इज ऑलवेज लव। ठीक है, बाय बाय।